माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू. स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव टू कंप्लीटेड प्रैक्टिस सेट 2.1. ओके माय डियर, नाउ स्टूडेंट, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. अप्लीकेशन किसका? अप्लीकेशन पाइथागोरस थ्योरम का. अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर, हम तो अप्लीकेशन पढ़ चुके हैं. अप्लीकेशन मतलब डायरेक्ट हम लोग फार्मूला को, कौन सा फार्मूला? जो पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला है उसका हम लोग यूज कर चुके हैं, उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई कर चुके हैं. लेकिन दो और इम्पॉर्टेंट अप्लीकेशन है स्टूडेंट. फर्स्ट अप्लीकेशन इज अप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फॉर एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एंड सेकेंड अप्लीकेशन इज अप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फॉर एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल. मतलब जो पहला अप्लीकेशन है किसका? पाइथागोरस थ्योरम का, वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए है. एंड सेकेंड अप्लीकेशन इज फॉर एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल. तो पहले इसको हम लोग देखते हैं कि जो अप्लीकेशन है, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को, और एक दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करके देखेंगे. और भी आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे, अपोलोनियस थ्योरम. ये तीनों चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसके लिए बहुत ध्यान से आपको लेक्चर को पढ़ना है और समझना है. तो आइए देखते हैं कि जो इसका फर्स्ट अप्लीकेशन है, फर्स्ट अप्लीकेशन क्या है? फॉर एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल. ओके स्टूडेंट, अप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फॉर एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल. एंड स्टूडेंट, सेकेंड अप्लीकेशन इज फॉर एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल. फॉर एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल. पहले इसको, दोनों अप्लीकेशन को हम लोग थोड़ा रफली देखेंगे, फिर दोनों अप्लीकेशन को हम प्रूव भी करेंगे. तो आइए देखते हैं. अब आपको एक्यूट एंगल मालूम होगा. एक्यूट एंगल मालूम है क्या स्टूडेंट? डू यू नो व्हाट इज एन एक्यूट एंगल? एक्यूट एंगल क्या होता है? ज़्यादातर बच्चे ऐसे बताते हैं, कोई पूछता है एक्यूट एंगल क्या होता है, बताते हैं सर, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री. बट स्टूडेंट, दिस इज नॉट 100% करेक्ट. एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री बट मोर देन 0 डिग्री. मतलब ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, तो उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं. अच्छा, अगर कोई एंगल 90 डिग्री का हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल, और अगर कोई एंगल 0 डिग्री का हो गया तो स्टूडेंट हम लोग इसको बोलते हैं जीरो एंगल. बात समझ में आई क्या? एक्यूट एंगल किसको कहते हैं? बात समझ में आई क्या? एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री एंड मोर देन 0 डिग्री, दैट एंगल इज नोन एज एक्यूट एंगल. बात समझ में आई? तो फॉर एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल. अब आपको एक्यूट एंगल समझ में आ गया, देन व्हाट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल? एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल स्टूडेंट, अ ट्रायंगल इन विच ईच एंगल इज एन एक्यूट एंगल. अ ट्रायंगल इन विच ईच एंगल, मतलब हर एक एंगल, ईच एंगल शुड बी एन एक्यूट, मतलब हर एक एंगल 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, देन दैट ट्रायंगल इज नोन एज एक्यूट एंगल ट्रायंगल. इतनी बात समझ में आ गई. अच्छा, अभी आपके मन में एक क्वेश्चन शायद से उठ रहा होगा कि सर, पाइथागोरस थ्योरम तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं, बट इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल देयर इज नो एनी एंगल व्हिच इज 90 डिग्री. इसमें एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं दिख रहा है, देन हाउ टू यूज पाइथागोरस थ्योरम इन दिस एक्यूट एंगल ट्रायंगल? तो स्टूडेंट इसमें क्या करना है, एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. ट्रायंगल एबीसी इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड दिस एडी इज परपेंडिकुलर टू द साइड बीसी.
AD is perpendicular to the side BC. Okay student, AD is perpendicular to the side BC. अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो, एंगल B acute है, मतलब less than 90. C भी acute angle है, and also angle A is acute angle. तो ये acute angle triangle है, तो B भी acute है, C भी acute है, A भी acute है. अब इसमें हमको क्या करना है, कोई एक एंगल को, कोई एक एंगल को हम लोग एक्यूट कंसीडर कर लेंगे. मान लेंगे कि एंगल सी एक्यूट है. तो हमने क्या किया इसमें, अब आपको एग्जाम में जब ही आता है तो ऐसे लिखा रहेगा, ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू द साइड बी सी. AD is perpendicular to the side BC. तो चलिए इसमें हमने एंगल C को क्या ले लिया, acute angle means less than 90. इसमें आप चाहे तो B को भी consider कर सकते हैं. अभी मैं दोनों केस पे discuss करूंगा, when angle C is an acute तो result क्या होगा, और अगर angle B acute होगा तो result क्या होगा, दोनों पे discuss करेंगे. तो पहले हम लोग देखते हैं कि अगर angle C, इसको हमने एक्यूट ले लिया, किसको, एंगल सी को. तो ध्यान से देखिए, एंगल सी, दिस इज एंगल सी, इसके अपोजिट में बताइए कौन सी साइड है. दिस इज एंगल सी, इट्स अपोजिट साइड इज ए बी. देन बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर, ये मैं अभी प्रूफ करके आपको बताऊंगा, पहले इसका हम लोग रिजल्ट देखते हैं. रिजल्ट मतलब जैसे आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा तो सबसे पहले उसका स्टेटमेंट पढ़ा था, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स. पहले हमने उसका रिजल्ट जाना, क्लास 7 से ही हम उसको यूज करते आ रहे हैं. आके हमने कहां उसको प्रूफ किया, 10th स्टैंडर्ड में. तो ऐसे हम लोग जो एप्लीकेशन है ना, तो पहले उसका रिजल्ट देख रहे हैं, उसका फार्मूला देख रहे हैं, फिर इसी को हम प्रूफ करके देखेंगे कि कैसे पॉसिबल हुआ. ओके स्टूडेंट, तो हमने यहां पर एंगल सी को क्या कंसीडर किया, एक्यूट एंगल. अब इसके अपोजिट में कौन सी साइड है बताओ जरा, दिस इज एंगल सी, इट्स अपोजिट साइड इज ए बी. देन वी विल राइट हियर ए बी स्क्वायर. ओके, एंड ए बी स्क्वायर तो लिख दिया. अब ट्राइंगल ए बी सी में दो साइड बच गई, कौन कौन सी साइड बच गई, ये देखो बी सी बचा और क्या बचा, ए सी. तो ऐसे लिखेंगे, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ, क्या लिखेंगे, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स. अरे यही तीन साइड है ना ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी, दिस एंगल सी इज एन एक्यूट एंगल, इट्स अपोजिट साइड इज ए बी. देन ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू रिमेनिंग साइड्स आर ए सी एंड बी सी, देन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. अब इसके बाद आएगा माइनस, क्या आएगा, माइनस. अब ये आपको याद रखना है, जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन किसके लिए, एक्यूट एंगल के लिए यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे एक्यूट एंगल के लिए, उसमें क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस ट्वाइस ऑफ बी सी, ट्वाइस ऑफ बी सी इंटू इंटू सी डी. अच्छा, यहां तक तो आपको बहुत इजीली याद हो गया, यहां तक इजीली याद हुआ. एंगल सी क्या है, एक्यूट एंगल, इसका अपोजिट साइड ए बी, तो ए बी स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड्स, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ए भी आपको याद हो गया, एक्यूट एंगल के लिए एप्लीकेशन है, तो माइनस आएगा ट्वाइस ऑफ बी सी. बी सी कैसे याद करेंगे, जिस ये देखो ए डी परपेंडिकुलर है ना, ए डी इज परपेंडिकुलर टू साइड बी सी, कौन से साइड पे परपेंडिकुलर है, बी सी पर. तो यहां लिखना है बी सी, याद हुआ, जिस साइड पे परपेंडिकुलर रहेगा वही साइड लिखना है. तो AD इज परपेंडिकुलर टू साइड BC, देन वी हैव टू राइट हियर BC इनटू CD. अब इसको कैसे याद करेंगे CD को, अब ये देखिए कौन सा एंगल एक्यूट लिया है, C, एंगल C एक्यूट लिया है. एंड स्टूडेंट D इज नोन एज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, D को क्या बोलते हैं हम लोग, D को क्या बोलते हैं, फुट ऑफ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर.
अच्छा जैसे मान लो ये कोई लाइन है, यहां हमने पी क्यू परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, देन दिस पॉइंट क्यू, क्यू इज नोन एज फूट ऑफ परपेंडिकुलर। ये सेंटेंस समझ में आया, फूट ऑफ परपेंडिकुलर। अरे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, दिस पॉइंट क्यू इज नोन एज फूट ऑफ परपेंडिकुलर। ओके माय डियर, तो अब मुझे लग रहा है कि ये रिजल्ट कैसे लिखा, ये आपको याद हो गया, बराबर याद हो गया क्या? एक बार फिर से समझो, एंगल सी को हमने क्या लिया, एक्यूट एंगल। एंगल सी के अपोजिट में कौन सी साइड है, ए बी, तो ए बी स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड्स, रिमेनिंग साइड्स आर ए सी एंड बी सी, देयरफॉर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। एक्यूट के लिए एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो क्या लिखेंगे, माइनस टू इंटू बी सी, बी सी मतलब जिस साइड पे परपेंडिकुलर है, AD इज परपेंडिकुलर टू साइड BC, BC तो BC आ गया, इनटू इनटू ये एंगल एक्यूट एंगल है, ये फूट ऑफ परपेंडिकुलर है। जो एंगल हम लोग एक्यूट एंगल कंसीडर करेंगे, वहां से फूट ऑफ परपेंडिकुलर जो सेगमेंट बनेगा, तो C और फूट ऑफ परपेंडिकुलर D, सेगमेंट कौन सा बन गया, CD, तो यहां क्या लिख देंगे, CD। याद हो गया। चलिए अभी मैं इसी डायग्राम में, इसी फिगर में हमने कंसीडर कर लिया कि एंगल बी जो है एक्यूट एंगल है, इसमें क्या कंसीडर किया था, एंगल सी इज एन एक्यूट एंगल। अभी क्या कंसीडर कर रहे हैं, एंगल बी इज एन एक्यूट एंगल। तो एंगल बी आपको यहां दिख रहा है, दिस इज एंगल बी। यस स्टूडेंट, दिस इज एंगल बी, इट्स अपोजिट साइड इज ए सी, तो क्या लिखोगे, ए सी स्क्वायर, बराबर ना। मेथड क्लियर हो रहा है ना कि लिखना कैसे है, रिजल्ट कैसे लिखना है। अभी इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, इसको हम प्रूफ करके देखेंगे कि कैसे आया, बराबर। तो चलिए एंगल बी को हमने क्या कंसीडर किया, एंगल बी इज एक्यूट एंगल, इट्स अपोजिट साइड इज ए सी, देन वी विल राइट हियर ए सी स्क्वायर। अच्छा ए सी को छोड़ दो, दो साइड कौन सी बची, ए बी एंड बी सी, तो यहां पर क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्लियर ना। अच्छा एक्यूट है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, एक्यूट है तो क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस टू टाइम्स ऑफ किस पे परपेंडिकुलर है, BC पर, तो यहां भी BC आ जाएगा, BC इंटू, अब ध्यान देना एंगल कौन सा कंसीडर किया है, B, तो B एंड फूट ऑफ परपेंडिकुलर इज D, तो BD, सेगमेंट कौन सा बन रहा है, BD, अब यहां पर CD नहीं आएगा, क्या आएगा, BD, तो रिजल्ट आपको लिखने आ गया क्या। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, सम करेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे फार्मूला लिखेंगे, डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, और उसका रीजन क्या लिखेंगे, बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो बात समझ में आई, ए एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का एप्लीकेशन समझ में आ गया। अभी हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं, इसको अभी हम लोग बाद में देखते हैं, इसको हम लोग अभी बाद में देखेंगे, या अगर आपकी इच्छा है तो चलो इसका रिजल्ट देख लेते हैं। चलिए अच्छा ऑब्ट्यूस एंगल समझते हैं, क्या ऑब्ट्यूस एंगल, स्टूडेंट ऑब्ट्यूस एंगल, व्हाट इज ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल मतलब अधिक कोण, अधिक कोण मतलब ऑब्ट्यूस एंगल, ये दोनों, ऑब्ट्यूस एंगल इज इन इंग्लिश, अधिक कोण इज इन हिंदी। ऑब्ट्यूस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से बड़ा, किससे छोटा, 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, देन स्टूडेंट दैट एंगल इज नोन एज ऑब्ट्यूस एंगल। अच्छा अगर 90 डिग्री हो गया तो उसको बोलते हैं राइट एंगल, क्या बोलते हैं, राइट एंगल। 180 हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, इफ मेजर ऑफ एनी एंगल इज एग्जैक्ट 180 डिग्री देन एंगल इज नोन एज स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। बात समझ में आई क्या। तो चलिए ऑब्ट्यूस एंगल में जरा हम लोग अप्लाई करके देखते हैं इसको, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल व्हिच इज मोर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री, बट व्हाट इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, स्टूडेंट अ ट्रायंगल इन व्हिच
एनी वन एंगल इज ऑब्ट्यूस, एनी वन एंगल इज ऑब्ट्यूस मतलब कोई एक ही एंगल ऑब्ट्यूस होना चाहिए, देन दैट ट्रायंगल इज नोन एज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो कुछ इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, ए बी सी ये हो गया, दिस एंगल इज ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस मीन्स मोर देन 90। यस स्टूडेंट, अच्छा अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, अप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो हमको 90 डिग्री दिखना चाहिए। तो चलिए यहां से कहां से पॉइंट ए से वर्टेक्स ए से बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो परपेंडिकुलर तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। अब यहां से इसको हम लोग आगे एक्सटेंड कर देंगे, यहां ऐसे बराबर इसको आगे हमने एक्सटेंड कर दिया, ये ले लिया पॉइंट डी, तो देखो यहां 90 डिग्री बन गया, 90 डिग्री बन गया, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जैसे हमने इसका रिजल्ट सीखा कि रिजल्ट लिखना कैसे है, पहले हम लोग यहां पर भी देखते हैं कि रिजल्ट को हमको लिखना कैसे है। कौन सा एंगल, एंगल बी, एंगल बी क्या है स्टूडेंट, एंगल बी इज ऑब्ट्यूस एंगल, एंगल बी इज ऑब्ट्यूस एंगल मीन्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो एंगल बी के अपोजिट में कौन सी साइड है, ए सी, तो क्या लिखेंगे, ए सी स्क्वायर, क्या लिखना है, ए सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड, रिमेनिंग साइड क्या क्या है, ए बी एंड बी सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, एकदम इसी पैटर्न पे आप लिख, आपको लिखना है, जैसे हमने इसको अप्लाई किया एकदम सेम टू सेम उसको भी ऐसे लिखना है। एंगल बी क्या है, ऑब्ट्यूस, इसके अपोजिट में कौन सी साइड, ए सी, तो ए सी स्क्वायर, रिमेनिंग साइड मतलब बची हुई साइड कौन सी है, ए बी और बी सी, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमने यहां पर बताया कि एक्यूट में माइनस, तो ऑब्ट्यूस में क्या, ऑब्ट्यूस में प्लस, एक्यूट में माइनस, ऑब्ट्यूस में प्लस। अब चाहे तो आप ऐसे याद कर लो, एक्यूट मतलब लेस देन 90, ऑब्ट्यूस मतलब मोर देन 90, ऑब्ट्यूस ज्यादा है, ज्यादा मतलब प्लस है, एक्यूट क्या है, लेस देन 90, कम है, कम है मतलब माइनस है, तो ऑब्ट्यूस में क्या आ गया, प्लस आ गया। ट्वाइस ऑफ बी सी, ये परपेंडिकुलर, ये जो ए डी है ना, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, तो यहां पर बी सी जिस साइड पे परपेंडिकुलर रहेगा वही साइड लिखना है, इनटू इनटू एंगल कौन सा ऑब्ट्यूस है, बी है, बी इज ऑब्ट्यूस एंगल एंड डी इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो बी से डी तक कौन सा सेगमेंट बन गया, बी डी बन गया, तो ये हो गया। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फॉर एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। दोनों क्लियर हो गया, रिजल्ट लिखने आ गया। अब हम लोग एक एक प्रॉपर्टी को प्रूफ करके देखेंगे स्टूडेंट, हाउ इट इज पॉसिबल। ओके तो चलिए अब हम लोग जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फॉर एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, उसके लिए हम लोग प्रूफ करते हैं। अगर एग्जाम में आया तो जो आपको स्टेटमेंट लिखा रहेगा कैसे लिखा रहेगा, ट्रायंगल ए बी सी इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल स्टूडेंट, दिस इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल ए बी सी मीन्स ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। ओके माई डियर स्टूडेंट, एंड एंड ए डी इज, ए डी इज परपेंडिकुलर टू द साइड बी सी, ए डी इज परपेंडिकुलर टू द साइड बी सी। अच्छा अब इसमें एंगल सी एक्यूट एंगल ले सकते हैं, एंगल बी को भी एक्यूट एंगल ले सकते हैं, एंगल ए को भी एक्यूट एंगल ले सकते हैं, लेकिन अगर हम एंगल ए को एक्यूट एंगल कंसीडर करेंगे तो परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। बात समझ में आई, तो चलो यहां पर एंगल सी, एंगल सी को क्या ले लिया, एक्यूट एंगल ले लिया। ओके स्टूडेंट, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, अभी मैंने आपको रिजल्ट बताया, हाउ टू राइट इट्स रिजल्ट स्टूडेंट, वी हैव टू कंसीडर हियर एंगल सी इज एन एक्यूट एंगल, देन इट्स अपोजिट साइड इज ए बी, देन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड्स, सो स्टूडेंट रिमेनिंग साइड्स आर ए सी स्क्वायर
प्लस बी सी स्क्वायर, इसको आप आगे पीछे लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्यूट में क्या आता है, माइनस 2bc, bc मतलब जिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ किया गया है, bc पर, परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ किया है, bc पर, तो माइनस ट्वाइस ऑफ bc इंटू इंटू क्या लिखेंगे, cd इंटू cd, ये बताया ना अभी आपको एंगल, जो एंगल हमने एक्यूट कंसीडर किया है, एंड इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर From point C and D, we can make the segment CD, so we have to write here CD. ये आपको प्रूव करना है, एग्जाम में अगर आएगा तो पूरा इतना लिखा रहेगा, ट्रेंगल ए बी सी इज एन एक्यूट एंगल ट्रेंगल, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, एंगल सी इज एन एक्यूट एंगल, देन प्रूव दैट दिस, बात समझ में आ गई, चलो इसको प्रूव करते हैं, चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। इन ट्रेंगल ए बी सी, इन ट्रेंगल ए बी सी लेट, लेट साइड, लेट साइड बी सी, बी सी को हमने कंसीडर कर लिया ए, बी सी मतलब ये जो पूरा साइड है ना, इसका जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है उसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, स्मॉल ए, एंड साइड ए सी, साइड ए सी, ए सी को क्या कंसीडर कर लिया, स्मॉल बी, एंड साइड ए बी इसको हमने कंसीडर कर लिया स्मॉल सी। ये बच्चों एक नोटेशन होता है, जब ही आप आगे जाएंगे इलेवेंथ में जाएंगे ट्वेल्थ में जाएंगे तो एक स्टैंडर्ड नोटेशन होता है। जैसे मान लो कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी है, तो ये एंगल ए है, इसके अपोजिट साइड का जो लेंथ है ना स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन है, दिस इज द स्टैंडर्ड नोटेशन, दिस इज ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज एंगल ए, इसके अपोजिट साइड बी सी का जो लेंथ है स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ए एंगल बी है, इसका अपोजिट साइड है ए सी, इसके लेंथ को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ए एंगल सी है, इसका अपोजिट साइड है ए बी, एंगल सी, तो यहां स्मॉल सी, इसका लेंथ हो गया स्मॉल सी। ये बात समझ में आई, ये नोटेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है, इधर आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये नोटेशन है। ये जो बी सी है ना, हमने इसके लेंथ को किससे डिनोट किया है, स्मॉल ए से, और ये जो ए सी है इसके अपोजिट में देखो एंगल बी है, तो ए सी का लेंथ किससे डिनोट किया है, स्मॉल बी से, एंगल सी है तो ए बी का जो लेंथ है स्मॉल सी से डिनोट किया है। तो आइए यहां पर लिख देते, ए हो गया सी और ए हो गया बी, और ये पूरा लेंथ बी से लेकर पॉइंट सी तक इसका लेंथ कितना है, ए है। अच्छा, इसमें जो ए डी है इसके लेंथ को हमने कंसीडर कर लिया पी। अच्छा, ये जो सी डी है इसको हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। अच्छा, थोड़ा और यहां पर लिखना है, क्या लिखना है, हमने ए डी को क्या कंसीडर किया, ए डी का लेंथ, ए डी का लेंथ क्या लिया है, पी लिया है, और ये सी डी, लेंथ ऑफ सी डी, सी डी को क्या कंसीडर किया, एक्स कंसीडर किया। अच्छा, ये बताओ ये पूरा ए है, बी से लेकर सी तक कितना है, ए है, ए यक्स है, तो ये जो बचा क्या इसके लेंथ को मैं ए माइनस यक्स लिख दूं, ये बात समझ में आ गई ना, बी सी कितना है, ए है, बी सी माइनस डी सी वी गेट बी डी, यस स्टूडेंट करेक्ट ना, तो सी डी हमने यक्स ले लिया तो बी डी, तो यहां लिख देंगे देयर फोर बी डी इज इक्वल टू ए माइनस यक्स। अब हमारा कंसिडरेशन जो है कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक और चीज, अगर कंसीडर नहीं करेंगे तो भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, तो भी प्रूफ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर कंसीडर कर लिया तो थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, समझने में इजी हो जाएगा, तो इससे घबराने की आपको जरूरत नहीं है, ये सिर्फ कंसिडरेशन है। हमने मान लिया कि बी सी का लेंथ ए है, डी सी का लेंथ यक्स है,
तो अपने आप निकल गया बी डी ए माइनस यक्स, ए बी का लेंथ सी और ए एंगल भी है तो इसके अपोजिट साइड ए सी का लेंथ बी और ए डी का लेंथ हमने क्या ले लिया है पी, बराबर। तो चलिए नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी, नाउ इन ट्रायंगल ए डी बी, अब आपको दिख रहा है ये जो ट्रायंगल ए डी बी है दिखा क्या डायग्राम में स्टूडेंट, दिस इज ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी ये जो येलो कलर से बना रहा हूं मैं, तो येलो कलर से बना रहा हूं आपको क्या मालूम कौन सा कलर दिख रहा होगा। तो स्टूडेंट दिस इज ट्रायंगल ए डी बी, स्टूडेंट दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, देन वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बाय पाइथागोरस थ्योरम अब बताओ इसमें पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये जो हाइपोटेनियस है ना इसका लेंथ क्या लिखा है सी, तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्टूडेंट दिस ए माइनस यक्स का होल स्क्वायर प्लस दिस ए डी स्क्वायर मीन्स पी स्क्वायर, ये बात समझ में आ गई आपको। तो चलिए अब यहां से देखिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपको दिख रहा है ना फार्मूला है, अरे स्टैंडर्ड फार्मूला है हमने पढ़ा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही ना फार्मूला, तो उसी फार्मूला से इसको एक्सपांड कर देंगे ए आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू इंटू ए यक्स प्लस कितना आ जाएगा यक्स स्क्वायर, इसका एक्सपांसन ऑफ ए माइनस एक्स होल स्क्वायर इज दिस, बात समझ में आ रही है ना उसी फार्मूले से, प्लस क्या है इसमें पी स्क्वायर, चलिए इसको मान लिया इक्वेशन वन, बात समझ में आई। तो चलिए नाउ स्टूडेंट वी विल कंसीडर दिस ट्रायंगल एडीसी, दिखा क्या ट्रायंगल एडीसी। तो चलिए आइए ट्रायंगल एडीसी में देखते हैं स्टूडेंट, वी विल अगेन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एडीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम किसमें एडीसी में स्टूडेंट दिस रेड कलर से हमने बनाया इसको एडीसी, तो इसमें हाइपोटेनियस क्या है बी है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ दिस साइड मींस यक्स स्क्वायर प्लस दिस पी स्क्वायर, ओके स्टूडेंट बात समझ में आ रही ना, तो यहां से देखो पी स्क्वायर की हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं बी स्क्वायर दिस यक्स स्क्वायर टेकन दिस साइड यक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर, लेट दिस इज इक्वेशन टू। नाउ स्टूडेंट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन, मतलब ये जो पी स्क्वायर की वैल्यू है पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही वैल्यू हम लोग पी स्क्वायर की वैल्यू किस में रख देंगे इक्वेशन वन में, देखो पी स्क्वायर है ना इसकी जगह पर हम लोग पी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे। तो अब यहां पर क्या लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर कहां से पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन टू किस में पुट करेंगे इन इक्वेशन वन, बराबर ना सेंटेंस इज करेक्ट ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर फ्रॉम टू इक्वेशन टू से किसकी वैल्यू पी स्क्वायर की कहां रखेंगे इक्वेशन वन में रखेंगे। तो चलिए इक्वेशन वन देखते हैं क्या है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहां लिख रहा हूं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या है पी स्क्वायर है प्लस क्या है पी स्क्वायर, बट द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर इज बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिस इज प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब लास्ट
एक्सप्रेशन जो है इसको ध्यान से देखिए स्टूडेंट, दिस माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल आउट बाय दिस प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर इस प्लस एक्स स्क्वायर से कट गया, बराबर। अच्छा कट गया तो ठीक है, अब कटने के बाद बचा क्या, तो चलिए यहां मैं ये थोड़ा सा रब कर दे रहा हूं, यहां हम लोग देखते हैं आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट, आफ्टर कैंसिलेशन स्टूडेंट वी गेट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस बी स्क्वायर, बराबर ना, यही बचा ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस बी स्क्वायर। अब हमको क्या प्रूफ करना था, जरा ध्यान से देखो, देन प्रूव दैट ए बी स्क्वायर, देन प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस टू बी सी इंटू सी डी। आइए सबकी वैल्यू रख देते हैं, हमने यहां पर देखो कंसीडर किया है बी सी को ए, ए सी को बी, ए बी को सी, ए डी को पी, सी डी को एक्स, तो यहां पर क्या है सी स्क्वायर, सी देखो यहां पर, ये देखो सी क्या है ए बी, तो क्या यहां पर लिख दूं ए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, एक इसको कंसीडर किया है बी सी को, तो यहां पर लिख दूं बी सी स्क्वायर माइनस टू ए ए, ए ए इज बी सी, टू बी सी इंटू यक्स, इंटू यक्स, यक्स कहां है इधर है सी डी, तो यहां पर इंटू सी डी प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब ए सी स्क्वायर। अब इसको हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये प्लस है ए बी प्लस है, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हैं, इधर कंफ्यूज मत होना, ये देखो प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, या आप ऐसे लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, माइनस टू बी सी इंटू सी डी। तो क्या प्रूफ हो गया, ये जो अप्लीकेशन है फर्स्ट वो प्रूफ हो गया, ये देखो यहाँ पर स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो बात समझ में आई क्या, कितना इजी प्रूफ है। ऐसे ही हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का जो एप्लीकेशन है उसको भी ऐसे ही प्रूफ करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अब आप इसको क्या करेंगे, इसको नोट कर डालिए। नाउ सेकंड एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इज फॉर एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो आइए एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल लेते हैं, लेट दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ए बी सी, स्टूडेंट दिस एंगल बी इज एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो अभी हमने बताया था यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो ए साइड को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है, ए साइड को हमने क्या किया इधर एक्सटेंड कर दिया, ये देखो ए साइड बी सी, यहाँ इसको एक्सटेंड कर दिया, ए परपेंडिकुलर है, दिस इज पॉइंट डी। ओके स्टूडेंट, तो आपको एग्जाम में किस तरह से आएगा, ट्रेंगल इन ट्रेंगल इन ट्रेंगल ए बी सी एंगल बी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अच्छा अगर ऐसा लिख दिया इन ट्रेंगल ए बी सी वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, देन स्टूडेंट ट्रेंगल ए बी सी इज एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल, ओके क्लियर ना। एंड ए डी इज परपेंडिकुलर, ए डी किस पर परपेंडिकुलर है, बी सी पर, ए डी इज परपेंडिकुलर टू दी साइड बी सी। अब ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो सेगमेंट ऐसे आएगा, लेकिन बी सी तो यहीं तक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग एक्सटेंड कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे, तो ये हो गया 90 डिग्री। देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट, क्या आपको प्रूव करना रहेगा, अभी हमने आपको बताया, हमने डिस्कस किया कि रिजल्ट को लिखना कैसे है, एंगल भी क्या है ऑब्ट्यूस है, इट्स अपोजिट साइड इज एसी, अपोजिट साइड क्या है एसी, देन एसी स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ऑब्ट्यूस का एप्लीकेशन जो है उसमें प्लस आता है टू बी सी, परपेंडिकुलर किस पर है बी सी पर, ट्वाइस ऑफ बी सी, एंगल वर्टेक्स ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल बी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर डी, सेगमेंट कौन सा बना बी डी, तो क्या लिखेंगे बी डी, ये प्रूफ करना है। तो आइए
जैसे हम लोग अभी प्रूफ किए सेम टू सेम, वैसे ही हम लोग इसको भी प्रूफ करेंगे। एंगल बी है तो इसका जो अपोजिट साइड है क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अच्छा ए एंगल सी है, इसका ये जो साइड ए बी है ना, ये क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। अच्छा और एंगल यहां देखो ए एंगल ए है तो इसका अपोजिट साइड क्या है, बी सी है। क्या है, बी सी। बी सी को क्या लिख देंगे, स्मॉल ए लिख देंगे। और बी डी को हमने क्या कंसीडर कर लिया, यक्स कंसीडर कर लिया। किसको, बी डी को। ए तो हो गया हमारा कंसीडरेशन, और ये जो परपेंडिकुलर है इसके लेंथ को कंसीडर कर लिया पी, बराबर। तो चलिए अब इसको हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल, या ऐसे लिख सकते हैं इन फिगर। इन फिगर ए सी को क्या कंसीडर किया, बी। ए बी को क्या कंसीडर किया है, सी कंसीडर किया है। अच्छा बी सी को क्या कंसीडर किया है, ए कंसीडर किया है। बी डी को क्या कंसीडर किया है, यक्स कंसीडर किया है। और ए डी को क्या कंसीडर किया है, पी। अच्छा तो बताओ सी डी कितना हो गया, देयर फोर सी डी इज इक्वल टू यक्स प्लस ए। अरे यक्स ए दोनों को प्लस कर दिया सी डी, इट मीन्स सी डी इज इक्वल टू यक्स प्लस ए। यहां तक बात समझ में आ गई। तो चलिए अब इसमें आप अगर ध्यान से देखो, दो राइट एंगल ट्रायंगल है, देयर आर टू राइट एंगल ट्रायंगल्स इन दिस फिगर। वन इज ट्रायंगल ए डी सी, दिखा ए डी सी, ए डी सी फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल, एंड सेकेंड राइट एंगल ट्रायंगल इज ए डी बी, सेकेंड इज ए डी बी। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा, इन ट्रायंगल ए डी सी, चलो ए डी सी ले लिया। ए डी सी दिखा क्या आपको डायग्राम में, नहीं दिखा, तो ये देखो मैं ब्लू कलर से इसको बना रहा हूं ए डी सी। अभी दिख गया आपको, देखा ना राइट एंगल ट्रायंगल, दिस एंगल इज 90 डिग्री। अच्छा हाइपोटेनियस क्या है, ए सी, और ए सी का लेंथ क्या है, बी है। तो यहां पर लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, कौन से थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से। बताओ क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, अरे 90 डिग्री तो हाइपोटेनियस बी हो गया ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस पी स्क्वायर, क्या, अरे ए डी स्क्वायर मतलब पी, ए डी का लेंथ क्या है, पी है, तो पी का स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, प्लस क्या, डी सी स्क्वायर। अच्छा डी सी मतलब क्या, ए प्लस एक्स, डी सी मतलब क्या, डी सी मतलब सी डी, सी डी मतलब एक्स प्लस ए, दोनों को प्लस करेंगे, इसका हो गया स्क्वायर। देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फार्मूला है, कौन सा फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये तो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको ऐसे जबान पे होगा, रटा रटाए फार्मूला है, तो वही फार्मूला यहां अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अच्छा अब चलिए दूसरा हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल, ए डी बी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी बी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये देखो यहां क्या है, सी है, यहां क्या है, सी है, इसका हाइपोटेनियस सी है ना, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी दिस 90, देयरफॉर दिस इज हाइपोटेनियस, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस दिस साइड इज एक्स, एक्स स्क्वायर, यहां से पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, पी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, दिस एक्स स्क्वायर टेकन दिस साइड बिकम्स माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर। स्टूडेंट लेट दिस इज इक्वेशन टू, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन, ये जो पी स्क्वायर की वैल्यू है ना,
पी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही वैल्यू यहां रख देंगे। तो क्या लिखेंगे यहां पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन टू, किस में पुट करेंगे, इन इक्वेशन वन में पुट करेंगे। तो चलिए इक्वेशन वन में पुट करते हैं। इक्वेशन वन है क्या, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, पी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर की वैल्यू पुट करना है, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आगे क्या लिखा है, प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस कितना, एक्स स्क्वायर। अब इसमें कुछ खास चीज दिखा क्या, कोई इसमें स्पेशल चीज दिख रहा है क्या, हाँ दिखा ना, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कट गया, तो बचा क्या बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए एक्स, यही बचा ना। लेकिन प्रूफ क्या करना है, जरा ध्यान से देखो, यही प्रूफ करना है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस टू बी सी इंटू बी डी। अब हम लोग वापस जो हमने कंसिडरेशन किया था, कंसिडरेशन क्या, ए सी इज इक्वल टू बी, ए बी इज इक्वल टू सी, बी सी इज इक्वल टू ए, बी डी इज इक्वल टू एक्स, यही सब सब्स्टिट्यूशन किया था, वापस हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ ऊपर रब कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो लास्ट में बताओ कौन सा इन एक्सप्रेशन आ गया, बी स्क्वायर आया और बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है ए सी, तो बी स्क्वायर है, तो इसके नीचे यहाँ आप इसके बाद यहाँ से लिखेंगे, क्या लिख दूँ, ए सी स्क्वायर लिखूँ, क्यों लिखूँ, अरे बी स्क्वायर है और बी की वैल्यू ए सी है, तो ए सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर, सी सी की वैल्यू क्या है, ए बी, तो दिस इज ए बी स्क्वायर प्लस क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ देखो ए की वैल्यू क्या, बी सी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बी सी स्क्वायर प्लस टू ए मतलब बी सी, टू बी सी इंटू यक्स और यक्स की वैल्यू ये देखो क्या है, बी डी है, तो यहाँ पर आ गया बी डी। अब ध्यान से दोनों को मिला लो, ये दोनों को मिला लो, बराबर है, यही प्रूफ करना था। तो दोनों एप्लीकेशन मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया, बराबर। अब इसको आप नोट कर डालिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अपोलोनियस थ्योरम। सो स्टूडेंट फर्स्ट नोट डाउन दिस, नाउ वी विल स्टडी अबाउट अपोलोनियस थ्योरम। स्टूडेंट दिस थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपोलोनियस थ्योरम। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम रिप्रेजेंट द रिलेशंस बिटवीन हाइपोटेनियस एंड साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल द रिलेशन बिटवीन हाइपोटेनियस एंड इट्स रिमेनिंग साइड्स रिप्रेजेंटेड बाय पाइथागोरस थ्योरम। मतलब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस होता है और जो बाकी के दोनों साइड होती हैं उन सब के बीच का जो एक रिलेशन है ना, उसको पाइथागोरस थ्योरम से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिमिलरली स्टूडेंट अपोलोनियस थ्योरम रिप्रेजेंट अ रिलेशन बिटवीन साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एंड इट्स मेडियन। कोई भी ट्रायंगल है उसका मेडियन और साइड, उसके बीच का रिलेशन रिप्रेजेंट किया जाता है। कौन सा थ्योरम रिप्रेजेंट करती है इस रिलेशनशिप को, अपोलोनियस थ्योरम। तो आइए देखते हैं अपोलोनियस थ्योरम। ये मान लो कोई ट्रायंगल हो गया, लेट दिस इज ट्रायंगल एबीसी एंड लेट दिस इज दिस एएम, लेट दिस एएम इज इट्स मेडियन। मेडियन समझते हैं क्या, मेडियन क्या होता है,
मीडियन क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल टू मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड, मतलब कोई ट्रायंगल है, एनी ट्रायंगल हैविंग थ्री वर्टाइसेस, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, वर्टेक्स ए इसका अपोजिट साइड बी सी, मान लो ये जो डी है इसका मिड पॉइंट है, तो डी को ए डी को ज्वाइन कर दिया, देन स्टूडेंट दिस ए डी इज मीडियन। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल टू मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन। तो मीडियन समझ में आया क्या? तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी ए एम इज द मीडियन। ए एम क्या है? मीडियन है। अच्छा, ए एम इज मीडियन, इट मीन्स एम इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बी सी का मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है? बी सी का, मतलब ये बी एम और ये सी एम दोनों इक्वल होगा। अरे मिड पॉइंट है तो इसका मतलब जितना बी एम है उतना सी एम है, बराबर ना स्टूडेंट? दिस ए एम इज मिड पॉइंट, ओके। देन प्रूव दैट तो क्या प्रूव करना है? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी एम स्क्वायर। स्टूडेंट दिस इज नोन एज अपोलोनियस थ्योरम। अब इसका स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट जैसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, कुछ उस तरह का स्टेटमेंट नहीं है। इसमें आपको सीधा एक डायग्राम दिया रहेगा, एक मेडियन दिया रहेगा, डायरेक्ट आपको लिखा रहेगा प्रूव दैट दिस। बात समझ में आ गई क्या? तो ट्रायंगल, दिस इज ट्रायंगल ए बी सी एंड दिस इज ए एम, ए एम इज मीडियन, मीडियन है। ए एम क्या है? मीडियन है। इट मीन्स एम इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, इट मीन्स बी एम इज इक्वल टू सी एम। अब जो अपोलोनियस थ्योरम का रिजल्ट लिखा गया है उसको ध्यान से देखिए, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर याद कैसे करेंगे? मीडियन किसका है? ए एम इज मीडियन ऑफ साइड बी सी, अरे बी सी पर ही मीडियन ड्रॉ किया गया है ना, किस पर? बी सी पर। तो बी सी को छोड़ दो, जिस पर मीडियन ड्रॉ किया गया उसको छोड़ दो, बचा क्या? ए बी और ए सी बचा, तो वही यहां लिखा है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बात समझा? इतना इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एम स्क्वायर, जो मीडियन रहेगा, जो भी मीडियन रहेगा, यहां पर मीडियन क्या है? ए एम, ट्वाइस ऑफ ए एम स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए एम स्क्वायर मीन्स ट्वाइस ऑफ मीडियन स्क्वायर, तो जो भी मीडियन रहेगा ट्वाइस ऑफ ए एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी एम स्क्वायर, ये बी एम है। अब बी एम की जगह आप सी एम भी लिख सकते हो, क्यों? अरे बी एम और सी एम दोनों तो बराबर है ना, तो चाहे बी एम लिखो चाहे सी एम लिखो, एम इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, देयर फोर बी एम इज इक्वल टू सी एम, देन वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ बी एम सी एम, यहां हम लोग सी एम भी लिख सकते। तो बात समझ में आ गई? याद करने का तरीका मालूम हो गया क्या? जिस पर मीडियन ड्रॉ किया गया है, तो मीडियन किस पे ड्रॉ किया गया है? बी सी पर, तो बी सी को छोड़ दो, बचा क्या? ए बी और ए सी, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्क्वायर ऑफ मीडियन, इट मीन्स टू ए एम स्क्वायर प्लस टू बी एम स्क्वायर, या टू सी एम स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर। यही हमको प्रूफ करना है, तो चलिए इसको अब हम लोग प्रूफ करते हैं, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। अच्छा, ये जो थ्योरम है ना अपोलोनियस थ्योरम, इसके पहले जो हमने दो एप्लीकेशन पढ़ा, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फॉर एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड फॉर एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, वो दोनों का यूज इसमें हम लोग करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज हम लोग इसमें करेंगे। तो देखिए हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं। यहां हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसको मान लिया डी, ए डी इज परपेंडिकुलर टू साइड बी सी। अरे जब पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन और पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अच्छा, अब एक आपके मन में एक क्वेश्चन हो सकता है, अब आपके मन में
क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक क्वेश्चन आपको ये पूछना चाहिए कि सर ये जो मीडियन है ना, ये जो मीडियन है ना, अगर यही परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब ये मीडियन भी हो परपेंडिकुलर भी हो, दोनों काम यही करे, कौन जो मीडियन ड्रॉ किया है ना वो मीडियन भी हो जाए और परपेंडिकुलर भी हो जाए, तो हमको कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं ये जो मीडियन है ना, इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये परपेंडिकुलर भी हो जाए या नहीं हो, तो मतलब दो केस बनेगा क्या? When medium AM is not perpendicular to BC and when median AM is perpendicular to the BC, मतलब ये जो median है, एक केस तो ऐसा होगा कि ये जो median है वो perpendicular नहीं है, और दूसरा केस ये जो median है ये perpendicular भी हो सकता है। तो दोनों केस हम लोग कंसीडर करेंगे, दोनों केस में हम लोग प्रूव करके दिखाएंगे। अब आप अगर टेक्स्ट बुक देखेंगे उसमें प्रॉपर इसका प्रूफ नहीं लिखा है, तो जैसे मैं प्रूफ करा रहा हूं आपको सेम टू सेम ऐसे ही करना है। तो पहला केस हमने इसमें कंसीडर कर लिया, केस फर्स्ट। ये समझ में आए क्या? पहली चीज तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ दो केस बनेगा। सर ने सही बोला, दो केस बनना चाहिए। इधर क्या दो केस बनना चाहिए? अरे एम जो ये मीडियन है ना, हो सकता है कि मीडियन परपेंडिकुलर भी हो और हो सकता है नहीं हो, तो हम लोग दोनों केस में इसको प्रूव करेंगे। तो चलिए पहला केस हमने कंसीडर कर लिया, व्हेन एम इज नॉट परपेंडिकुलर टू द साइड बीसी। हमने कंसीडर कर लिया कि ये जो एम है ना, जो मीडियन एम है ना, वो परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर नहीं है इसके लिए हम यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। देन ड्रॉ एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। ये बात समझ में आ गई यहां तक? अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें एक खास ट्रायंगल हम देखेंगे। ये जो ट्रायंगल है मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं, ये जो ट्रायंगल है दिखा क्या आपको? ट्रायंगल ए बी एम। तो क्या ये एंगल आपको दिख रहा है एक्यूट एंगल है? एक्यूट एंगल है ना, दिखा ना डायग्राम में। समझो कोई लाइन है, ये लाइन है, इस पे कोई लाइन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो 90-90 होगा। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो एक ऑब्ट्यूस होता है, एक एक्यूट होता है, सीधी सी बात है, कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों एंगल क्या 90-90, परपेंडिकुलर नहीं है तो एक ऑब्ट्यूस हो जाएगा, एक एक्यूट हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? तो इन ट्रायंगल ए बी एम लिखते चलते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। इन ट्रायंगल ए बी एम एंगल ए एम बी इज लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल। अच्छे से समझना। अब हम एप्लीकेशन यूज करने जा रहे हैं। कौन सा एप्लीकेशन? अरे अभी दो एप्लीकेशन पढ़ा पाइथागोरस थ्योरम का। ए एक्यूट एंगल हमने किसको कंसीडर किया है? ए एम बी, इसी को। तो इसके सामने कौन सी साइड है? ए बी है, तो यहां पर लिख दूं ए बी स्क्वायर। अरे अभी बताया ना आपको ये एक्यूट एंगल है तो इसके सामने ए बी स्क्वायर। अच्छा रिमेनिंग साइड बताओ मुझे, एम और बी एम, तो एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। एक्यूट है तो क्या आएगा? माइनस। एक्यूट में क्या आता है? माइनस। तो माइनस क्या लिखूं? जिसपे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो इसका मतलब ट्वाइस ऑफ बी एम इंटू क्या, जो एंगल लिया है फुट ऑफ परपेंडिकुलर तक, डीएम, बीएम इंटू डीएम। अब देखो
मेन चीज यही है। इसके लिए मैंने चार बार आपको एप्लीकेशन बताया था कि किस तरह से लिखना है। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं, ये एंगल है एक्यूट है, इसके सामने की साइड ए बी, तो ए बी स्क्वायर, देन रिमेनिंग साइड्स आर ए एम एंड बी एम, तो ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, एक्यूट है तो माइनस आएगा। तो आई साहब जिसपे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ किया, बी एम पर, तो आई साहब बी एम इंटू डी एम, ये देखो एंगल, अरे यही एंगल कंसीडर किया ना, एंगल एंड फूट ऑफ परपेंडिकुलर, सेगमेंट बन गया डी एम, तो लिख दिया डी एम। तो यहां पर ये हो गया इक्वेशन वन। अच्छा इसको लिखा कैसे, बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो रीजन इसका क्या लिखेंगे, बाय एप्लीकेशन ऑफ चलो यहां पर इसका रीजन, बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके स्टूडेंट, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब इसमें एक और दूसरा हम लोग ट्रायंगल देखते हैं, जो आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, ए ट्रायंगल, ट्रायंगल ए एम सी, दिखा क्या ट्रायंगल ए एम सी। इसमें अगर ध्यान से देखो, ए एक्यूट है तो ये ऑब्टूस है, एक्यूट है तो दूसरा क्या है ऑब्टूस है। इन ट्रायंगल ए एम सी, इन ट्रायंगल ए एम सी कौन सा एंगल, यही ए एम सी क्या है, ग्रेटर देन 90 है, 90 से बड़ा है, मतलब अभी दूसरा वाला एप्लीकेशन आ गया। कौन सा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फॉर एन ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। तो एएमसी एंगल कौन सा लिया, यही ना एएमसी, इसके अपोजिट में कौन सी साइड है, कौन सी साइड है बताओ ध्यान से, एसी, तो एसी स्क्वायर लिखूं, रिमेनिंग साइड बताओ ए एम स्क्वायर प्लस क्या सी एम स्क्वायर, अरे ये रिमेन एसी हो गया, रिमेनिंग साइड्स आर ए एम एंड सी एम, ए एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, ऑब्टूस का है, कौन सा एप्लीकेशन ऑब्टूस, ऑब्टूस में क्या आएगा प्लस, तो आई साफ किस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, अरे इसी पर ना, सी एम पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ट्वाइस ऑफ सी एम इंटू इंटू ये डी एम, जो एंगल लिया फूट ऑफ परपेंडिकुलर, ट्वाइस ऑफ डी एम। ये बात समझ में आई क्या, इसका रीजन क्या लिखेंगे, अगेन बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर, इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर सी एम। अच्छा ध्यान से देखो, सी एम को मैं लिख दूं बी एम स्क्वायर क्या, अरे सी एम और बी एम इक्वल है ना, बिकॉज ऑफ ए एम इज मीडियन, इट मीन्स एम इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अभी इसका रीजन यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एम इज मिड पॉइंट ऑफ, एम किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बी सी का मिड पॉइंट है एम, इसका मतलब बी एम और सी एम इक्वल होगा, तो हमने सी एम को हटा के क्या लिख कर दिया बी एम प्लस ट्वाइस, यहां भी सी एम को हटा के क्या लिख दिया बी एम इंटू लिख दिया डी एम, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। बात समझ में आई क्या, अच्छा हटाया क्यों, सी एम को आपने क्यों हटाया, सी एम को आपने हटाया क्यों, क्योंकि हमको जो प्रूफ करना है उसमें सी एम नहीं है, बी एम चाहिए, तो सी एम को हटा के बी एम कर दिया। अच्छा जो प्रूफ करना है उसको जरा ध्यान से देखो, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, मतलब ये दोनों इक्वेशन को क्या करना है, जोड़ना है, प्लस करना है। नाउ एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, नाउ एडिंग इक्वेशन वन एंड टू। और अभी आप जानते हैं जब हम दो इक्वेशन को प्लस करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन वन इज ए बी स्क्वायर एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन टू इज ए सी स्क्वायर, देन वी गेट इन लेफ्ट हैंड साइड ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर, एंड राइट हैंड साइड आर ए एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर कितना हो जाएगा, अरे टू ए एम स्क्वायर, कितना हो गया टू ए एम स्क्वायर,
एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर टू एम स्क्वायर, बी एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर टू बी एम स्क्वायर टू बी एम स्क्वायर। और भी जोड़ना है, ये देखो मतलब माइनस टू बी एम डी एम प्लस टू बी एम डी एम, अपोजिट साइन है ये माइनस है प्लस है तो कट जाएगा, कट जाएगा मतलब इसकी जगह पे जीरो, मतलब यही आ गया, प्लस करने पर यही आ गया। बात समझ में आई है क्या? जो फर्स्ट केस हमने कंसीडर किया, फर्स्ट केस क्या कंसीडर किया, व्हेन मीडियम एम इज नॉट परपेंडिकुलर टू द साइड बी सी, पहले केस में हमने इसको प्रूफ कर दिया। बात समझ में आई गई, फर्स्ट केस आपको समझ में आया क्या? अब इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर हम दूसरा केस देखेंगे। दूसरा केस क्या देखेंगे कि ये जो मेडियन है ना, ये खुद ही परपेंडिकुलर हो सकता है। अब हम मेडियन को परपेंडिकुलर बनाएंगे फिर प्रूफ करेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ नोट डाउन दिस। अब हम सेकेंड केस कंसीडर करते हैं, व्हेन व्हेन एम, एम क्या है, मेडियन है। व्हेन एम इज परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर टू द साइड बी सी। अभी हमने जो मेडियन है ना उसको ले लिया परपेंडिकुलर। अच्छा, डायग्राम में परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा है तो फीलिंग नहीं आएगी, और फीलिंग नहीं आएगी फिर मजा नहीं आएगा, तो मजा नहीं आएगा फिर समझ में नहीं आएगा। तो फीलिंग आपको आए, एम परपेंडिकुलर आपको दिखे, इसके लिए मैं ये डायग्राम को रफ कर दे रहा हूँ, दूसरा डायग्राम बना देता हूँ। तो चलिए, हमने ये दूसरा डायग्राम बना दिया। अभी ये जो मेडियन है, कौन सी मेडियन है, एम। अब ये परपेंडिकुलर भी है और मेडियन भी है, परपेंडिकुलर भी है और मेडियन भी है। एम क्या है, मेडियन है। एंड आल्सो दिस एम इज परपेंडिकुलर टू द साइड बी सी। मेडियन खुद परपेंडिकुलर बन गई तो हमको कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। तो इस केस में अब हम लोग देखते हैं, नाउ इन ट्रायंगल AMB, इन ट्रायंगल AMB बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या राइट एंगल ट्रायंगल है ये, राइट एंगल ट्रायंगल है ना? अरे देखो ना भाई, 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना ABM। यस, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, ए बी इज द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड ए एम एंड बी एम, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, लेट दिस इज इक्वेशन वन। एंड एंड इन ट्रेंगल, दूसरा ट्रेंगल भी उधर है, ए एम सी, दिखा क्या ये देखो, नहीं दिखा तो अब दिखेगा, रेड कलर लाल लाल दिख रहा है, ए एम सी। इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल ए एम सी अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय बाय पाइथागोरस थ्योरम, चलो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ए एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, बराबर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, लेट दिस इज इक्वेशन टू। अब देखो वन टू प्लस करेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। नाउ एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, दोनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे, एडिंग एडिंग इक्वेशन वन एंड टू। और मालूम है आपको, जब भी इक्वेशन को प्लस करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड्स आर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, एंड राइट हैंड साइड्स आर ए एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। तो कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ ए एम स्क्वायर। अरे दोनों लाइक टर्म है ना, सजाती पद है ना, तो ए एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एम। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई, ये जो सी एम लिखा है ना इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ, तो ए एम स्क्वायर प्लस सी एम की जगह लिख दिया बी एम। अब इसको इक्वेशन टू मानेंगे तो बी एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर टू बी एम स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा चेंज क्यों किया, ये भी आपको लिखना है, यम इज मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। क्या लिखेंगे, यम इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट,
मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, साइड BC का मिड पॉइंट है, इसके लिए BM और CM इक्वल हैं, तो CM को हमने हटा के वहां पर क्या लिख दिया, BM, देन BM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर इज 2BM स्क्वायर, बराबर, यही प्रूफ करना था। अब क्या लिख देंगे यहां पर, हेंस प्रूव्ड, ये जो अपोलोनियस थ्योरम है ये प्रूफ हो गई, बात समझ में आ गया। तो इस तरह से जो आज का लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बार बार हम लोग एप्लीकेशन यूज करेंगे, बार बार अपोलोनियस थ्योरम यूज करेंगे, तो ये तीनों चीज जो हमने आज पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप दो तीन बार रिवाइज करके रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट करेंगे। ओके, थैंक यू।